नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके बीपी चैनल पर। क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, उन्होंने अपने बुक्स अपने किताब वगैरह साइड में कर दिए हैं। अचानक जब पता चलेगा कि एग्जाम्स होने वाले हैं तब वे दौड़े दौड़े यहां वहां ढूंढने में लग जाएंगे। आप लोगों का एग्जाम दरअसल सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, कैंसल नहीं। तो मैंने देखा यह है कि बहुत सारे बच्चे अभी कब एग्जाम होंगे पता नहीं, इस चक्कर में अपने बुक्स वगैरह सब यहां वहां कहां डालकर भूल चुके हैं, बहुत लाइट ले रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे बच्चों के लिए मैं एक बात यहां पर कह दूं कि एग्जाम्स आपके नवंबर सेकेंड वीक में होने की पूरी गुंजाइश है, यानी कि आपको बहुत बोले तो 15 दिन का वक्त है, बहुत से बहुत हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूं, कोई पक्की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस एक तजुर्बे से मैं ये कहता हूं कि क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आपको टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा, तो जाहिर बात है जब आपको टाइम टेबल हाथ लगेगा उसके कम से कम एक वीक बाद आपके एग्जाम्स रखे जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके एग्जाम्स हो सकता है, क्योंकि दीपावली 14 को है, तो दीपावली के बाद यानी कि 15, 16 या 17 को कभी भी हो जाए। खैर, ये तो हम नवंबर फर्स्ट वीक में देख लेंगे, जब वो टाइम टेबल बनकर आएगा तो उसका शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इन दिन का, ये जो बीच में आपको जो ड्यूरेशन मिला है, जो गैप मिला है, जितने दिन मिले हैं, इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। यहां वहां झांकने से बेहतर है कि आप अपने दम पर पेपर लिखकर मेहनत से पास हो जाए। तो बस यही कहने वाला था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही लाइट हल्के में ले लिया है कि पता नहीं एग्जाम अब कब होंगे या होंगे भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप केयरफुल रहे और ये जो गैप आपको मिला है इसका सही इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। आप ये सोचें कि आपको और ज्यादा वक्त मिल चुका है ताकि हम और ज्यादा हमारा प्रिपरेशन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।